रुक कर लेते हैं इस बीच में भाई बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अलका लांबा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अलका लांबा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अलका लांबा कर रही हैं। केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं आम आदमी पार्टी की बागी विधायक अलका लांबा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार उनके ट्वीट सामने आते रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती रही हैं, अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर सवाल खड़े करती रही हैं। और अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं अलका लांबा, जो विरोध दर्ज करवा रही हैं अपने समर्थकों के साथ। धरने पर बैठी अलका लांबा केजरीवाल के खिलाफ अलका लांबा प्रदर्शन कर रही हैं, अलका लांबा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठी हुई हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अपने समर्थकों के साथ। धरने पर बैठी हुई हैं अलका लांबा लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधती रही हैं, पार्टी की नीतियों के ऊपर सवाल खड़े करती रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी अलका लांबा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और लोकसभा चुनावों के बाद भी अलका लांबा लगातार अरविंद केजरीवाल पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाती रही हैं, चांदनी चौक की अनदेखी का भी आरोप लगाती रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अलका लांबा, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं अपने समर्थकों के साथ। अलका लांबा विरोध दर्ज करवा रही हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है अलका लांबा का। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अलका लांबा बैठी हुई हैं विरोध दर्ज करवा रही हैं, अलका लांबा अपनी नाराजगी जाहिर करती रही हैं और एक बार फिर से अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं अपने समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। कुलदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, अलका लांबा अपना विरोध दर्ज करवा रही है, किस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है अलका लांबा? बिल्कुल रंजना, अब तक अलका लांबा को आपने कई बार बयानों के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते होंगे देखा होगा, लेकिन ऐसा आज पहली बार हुआ है कि अलका लांबा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। ना सिर्फ वो सड़कों पर उतरी, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त अलका लांबा धरने पर बैठी है। उनका ये आरोप है कि उनकी विधानसभा में जो सीसीटीवी का काम है वो रुका पड़ा है, साथ में जो दूसरे विकास कार्य है वो भी उनकी विधानसभा में नहीं हो रहे हैं, और इन सबका आरोप जो है अलका लांबा अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है। अलका लांबा ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर उनकी विधानसभा में विकास कार्य रोक दिया है, और लिहाजा वो मजबूर होकर अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतरी है। हालांकि वो अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती थी और इस पूरे मसले पर उनसे बातचीत करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर पहले ही अलका लांबा के प्रदर्शन को देखते हुए बैरिकेडिंग की हुई थी, तो अलका लांबा बैरिकेडिंग के पास ही इस वक्त जो है धरने पर बैठी है और मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही है। इस धरने प्रदर्शन में दो ऐलान अलका लांबा ने बड़े कर दिए। पहला, उन्होंने ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आज उनसे मुलाकात नहीं करते हैं तो वो दिल्ली विधानसभा के आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और सरकार से विधानसभा में इसका जवाब मांगेगी। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अगर उसके बाद भी सरकार उनकी विधानसभा में विकास कार्य नहीं करवाती है या उसमें जो रुकावटें आ रही है उनको दूर नहीं करती है तो वो दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेगी। जी हाँ,